नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। दुनिया के 205 देशों में आज किसी की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वह है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की। उनके असरदार नेतृत्व और उनकी एक आवाज पर 130 करोड़ की आबादी का एक साथ मिलकर खड़े हो जाना बड़े बड़े नेताओं को आश्चर्य में डाल रहा है। बड़ी बात यह है कि लोग न केवल उनकी बात मान रहे हैं बल्कि उस पर अमल भी कर रहे हैं। पीएम मोदी के ही प्रयासों का नतीजा है जो यह वायरस दूसरी स्टेज को पार नहीं कर पाया है। भारत में 1 मार्च तक केवल 3 मामले सामने आए थे जो अब जाकर 1024 पर पहुंचे हैं। यहां 28 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि इसी अवधि में सुपर पावर अमेरिका में संक्रमित मरीजों की संख्या 101,000 को पार कर गई है। 2,000 से ज्यादा लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा है। पड़ोसी पाकिस्तान में भी 1612 लोग संक्रमित हैं और 14 पाकिस्तानी हुरों की खोज में निकल भागे हैं। दक्षिण कोरिया में 14 फरवरी को कोरोना ने दस्तक दी थी। यहां अभी भी प्रतिदिन 250 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जबकि इस देश ने बेहद सार्थक उपाय किए हैं। यहां 100 से ज्यादा मौतें हुई है और अभी भी आंकड़ा 10,000 से ऊपर है। दुनिया के कई देशों के मुकाबले भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं काफी लचर है। भारत दुनिया की बड़ी आबादी वाला देश भी है, जहां लगभग 800 लोगों पर एक डॉक्टर मौजूद है, जबकि इस वायरस से करा रहे अमेरिका, इटली, स्पेन जैसे देशों में 1,000 लोगों पर औसतन 2.7 डॉक्टर हैं। पर बावजूद इसके वे भारत की बराबरी नहीं कर पाए हैं। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में लॉकडाउन करके ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अमेरिका तक यह एहसास नहीं जुटा सका है, जबकि उसकी आबादी महज 22 करोड़ है। पीएम मोदी जहां अपनी जनता का हौसला बढ़ा रहे हैं, वहीं डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर 2,00,000 अमरीकी ऊपर पहुंच गए तो सरकार के प्रयास अच्छे माने जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह कहना कि दुनिया की नजर भारत पर है, उसकी विश्व गुरु की भूमिका को स्वीकार करने वाली बात है, क्योंकि भारत ने यदि इस विपदा पर जीत हासिल कर ली तो भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरकर सामने आएगा। दुनिया देख रही है कि 130 करोड़ की आबादी कैसे मुश्किल में एकजुट होकर इस वायरस को हराती है। भारत के यही प्रयास शेष विश्व के लिए प्रेरणा का काम भी करेंगे। बड़ी बात यह है कि इस विजय के बाद पीएम मोदी विश्व के सबसे बड़े नेता बन जाएंगे, जहां दुनिया का लीडर उनका अनुसरण करते दिखाई देंगे। पर पीएम मोदी के सामने चुनौती भी कम नहीं है। दुनिया में मोदी के बढ़ते कद से भारत के वामपंथी और कथित सेकुलर घबराहट में है। दिल्ली और अन्य प्रदेशों की सीमा पर बढ़ती भीड़ उसी रणनीति का हिस्सा है। बड़ी बात यह है कि यह भीड़ बिना ऊंच नीच सोचे दूषित राजनीति का शिकार हो रही है। 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के छात्र नेता अदनान ने यह अफवाह फैलाई कि प्रयागराज बस अड्डे को खोल दिया गया है, जिसके बाद वहां लोगों का भारी जमावड़ा लग गया। दिल्ली और अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की अफवाहें वायरल की जा रही है, जिससे स्थिति को बिगाड़ने की कोशिशें हुई है। चौंकाने वाली बात यह है कि सड़कों पर आने वालों में 72% तबका विशेष समुदाय से है, जो भारत के प्रति घृणा से परिपूर्ण है। यह तबका फिर से भारत के लिए खतरा बन रहा है। आनंद विहार बस अड्डे पर जो लोग आए थे, वे मौजपुर, जहांगीरपुरी, ओखला, सराय, रोहिल्ला जैसे इलाकों से मकान मालिकों ने निकालकर भगाए थे। यह सब एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया था। इन लोगों में बंगाली, बिहारी, मुसलमानों की घनी तादाद थी। हो सकता है कई जिहादी मानसिकता वाले भी इस भीड़ में मौजूद रहे हों। ऐसे लोग संक्रमित होंगे तो उन्होंने बड़ा काम जरूर कर दिया होगा। ऐसा ही एक जिहादी जयपुर में भी पकड़ा गया है। यह व्यक्ति 14 मार्च को ओमान से दिल्ली आया था, जहां से बस द्वारा जयपुर पहुंचा। यहां इसने नमाज पढ़ी और लगभग 1 हफ्ते तक अपने ही तबके के 200 लोगों के संपर्क में आया। बाद में पकड़ा गया तो मामला पॉजिटिव निकला, मगर जिन मुल्लाओं से यह मिला था, वह मुल्ला कितने लोगों में यह प्रसाद बांट आए हैं, उसकी जांच अब चल रही है। यानी स्पष्ट है कि मोदी के मिशन में बहुसंख्यक आबादी तो अभी उनके आग्रह का पालन कर रही है, मगर टोपीबाज है कि इस मुल्क को भी ईरान और पाकिस्तान की हालत में पहुंचाने के लिए बेचैन है। इन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। डर यही है कि कहीं मोदी सफल ना हो जाए। पर मामला यहां तक ही सीमित नहीं है। ऐसे ही कुछ छद्म लोग मीडिया और सोशल मीडिया में भी मौजूद हैं। ये जानबूझकर ऐसी भीड़ की फुटेज टीवी और इंटरनेट पर दिखा रहे हैं। इस भीड़ को दिखाकर यह लोगों के दिमाग में यह बात बिठा देना चाहते हैं कि आप भी पैदल सड़क पर चल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है।
इन्हीं तस्वीरों को देखकर लोग सड़क पर चलते दिखाई दिए। यह दिखाने की कोशिश की गई कि 3 दिन में फला आदमी पैदल अपने घर पहुंच गया, यानी यह एक तरह से सड़कों पर उतरने के लिए प्रेरित करने की साजिश की जा रही है। खास बात यह है कि मीडिया हमें यह तस्वीर दिखाकर हमारा मनोरंजन नहीं कर रहा है, बल्कि मोदी सरकार के अभियान को फॉलोअप करने की कोशिश में है। अगर मीडिया उन तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करता जहां बिल्कुल सन्नाटा था, तो शायद कोई भी घर से नहीं निकलता। मगर यह मीडिया इस चीज में तिलमिला रहा है कि सरकार ने उनके लिए राहत पैकेज की घोषणा क्यों नहीं की। इसलिए भारत का मीडिया अब इस वायरस से मरे लोगों के परिवारों की पीड़ा नहीं दिखाकर भीड़ की तस्वीरों को ज्यादा वरीयता दे रहा है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।